हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट फ्लोरिकल्चर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन के फूल दिखाऊंगा और उनके नाम बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट पेंजी। ये दिखने में बहुत अच्छा है और इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये विंटर्स के हैं, अक्टूबर में मैंने इनकी सीडलिंग लगाई थी और अब इनको बहुत अच्छे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसे पेंजी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकंड फ्लावर है फ्लॉक्स। इसे फ्लॉक्स कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी ब्लूम दे रहा है। ये भी विंटर्स में लगाते हैं। लीफ माइनर लग चुकी है इसको। ये डॉग फ्लावर है, ये भी मेरा फेवरेट है। देखिए दोस्तों, ये हाइस प्लांट है, बर्फ भी कहते हैं इसे। ये भी बहुत अच्छे फ्लावर्स देती है। इसके एक प्लांट को ही मिनिमम 30-40 फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इसको तो आप जान ही गए होंगे, रोज कहते हैं। पर ये देसी है, देसी वैरायटी। इंग्लिश वाला मैंने लगाया पर अभी उसके फ्लावर्स नहीं आने स्टार्ट हुए। उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। तो ये भी मेरा बहुत फेवरेट फ्लावर है, हिबिस्कस, गुड़ैल भी कहते हैं इसे। ये समर्स में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। दोस्तों, ये पेटूनिया है, इंग्लिश हाइब्रिड पेटूनिया है। इसके प्लांट को भी बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। विंटर्स का है ये भी। ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैंगिंग बोर्ड्स में लगते हैं। ये मैंने हैंगिंग बोर्ड में लगाया पर इसकी मैंने जंजीर नहीं लगाई, अभी मैंने इसको नीचे ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये भी फ्लॉक्स है पर इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है और कलर भी पिंक और बीच में वाइट है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये सभी पेटूनिया है। ये देसी पेटूनिया है वाइट। इसको मैंने टेरी पॉट में लगाया था और अब इस पर बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। न्यू बर्ड्स भी बन रही है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। फ्रेंड, इसे कैलेंडुला बोलते हैं। ये भी विंटर्स का बहुत अच्छा फ्लावर है। ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में। इसके सीड्स बन रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पेंजी है हाइब्रिड। ये भी बहुत अच्छे फ्लावर्स दे रही है। देखो, एक ही प्लांट है ये और उसको कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये फ्लॉक्स है, ये पर्पल और वो पिंक। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इनको फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं एक ब्रांच पे। ये देखिए, कुछ नए बर्ड्स बन रहे हैं। ये भी सारे इकट्ठे खिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने न्यू बाय किया था स्टार पेटूनिया। इसका फ्लावर भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए हाइस प्लांट, कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं इसे और कितने अच्छे लगते हैं ये। ये वाइट कलर में भी आती है, वो भी अच्छी लगती है। ये भी आइस प्लांट है सारे, कितने अच्छे लगते हैं देखने में। ये भी आइस प्लांट है, 12 इंच के पॉट में मैंने पनीरी लगाई थी। सिर्फ 3 प्लांट्स लगाए थे मैंने आइस प्लांट के, 1, 2 और 3। और अब इनको फ्लावर्स देखो कितने अच्छे आ रहे हैं। और बीच में मैंने एक पेटूनिया लगाया था देसी वैरायटी वाला, इसे भी फ्लावर आ चुका और काफ़ी सारी बर्ड्स बनी है। ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये भी पेटूनिया है पर रिंग वैरायटी है। इसे भी फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, देखिए। फ्रेंड्स, ये भी आइस प्लांट है, बर्फ, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। ये मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट। ये देखिए, ये फ्लावर सूख चुका है। इसके बाद इसका सीड पॉट बनेगा, फिर उसके बाद इसके सीड्स कलेक्ट करेंगे हम। उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, ये देसी पेटूनिया है, मैंने वेस्ट प्लास्टिक बोतल को काट में उसमें लगाया था और अब इसे मैंने हैंग किया हुआ है। देखिए, इसमें 2 फ्लावर्स निकले हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये। इसे कलांचू कहते हैं।
हाइब्रिड कलांचू है, इसको भी फ्लावर्स बहुत अच्छे कलर में आते हैं। और इसमें एक दही कलर आता है कलांचू में, ये देखिए, ये मेरा सेकंड प्लांट है कलांचू। अभी इसके फ्लावर्स स्टार्ट नहीं हुए पर बहुत जल्दी इसके फ्लावर्स ब्लूम हो जाएंगे। देखिए ये पिंक रंग का लग रहा है मुझे फ्रेंड्स। ये देखिए सनरेरिया, इसे भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छे, और ये पूरा भर जाता है फ्लावर से और देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपडेट दूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ये हमारा नेक्स्ट फ्लावर है दैंथस, इसमें भी कई शेड्स में फ्लावर्स आते हैं। देखिए इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है पर ये ओनली विंटर्स में ही ग्रो होती है। ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। इन सभी प्लांट्स को मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया है, बेस्ट पॉट माना गया है 8 इंच सीजनल फ्लावर्स के लिए। फ्रेंड्स मेरा हाइब्रिड डॉग फ्लावर है, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी शेड अलग है। डॉग फ्लावर इसे भी मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया। फ्रेंड्स ये भी हाइब्रिड डॉग फ्लावर है मेरा, इसका कलर थोड़ा अलग है, ये चेरी कलर में है वो रेड और येलो कलर में है। ये देखिए इसे भी 8 इंच के पॉट में लगाया मैंने। ये सभी विंटर्स के फ्लावर्स हैं सिर्फ रोज को छोड़ के, जो आपको मैंने दिखाया था वो ऑल सीजन है, बट फ्लावर्स समर में ही करता है रोज भी फ्रेंड। इसे वर्बिना बोलते हैं, इसे भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा। ये मेरा एक ही प्लांट है और देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं न्यू, और कितने सारे फ्लावर्स ब्लूम भी हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा विंटर का फ्लावर है। इसके साथ का एक और है पर उसे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, बर्ड्स बन चुकी हैं इसकी भी। ये प्लांट विंटर में ग्रो होता है सीड से, या फिर आप अपने नज़दीक की नर्सरी से ला सकते हैं वर्बिना कह के, बहुत अच्छा लगता है घर में। फ्रेंड्स ये मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, इनमें भी कई स्ट्रॉबेरीज आ चुकी हैं। ये इसका फ्लावर है, मैं दिखाता हूँ वाइट से रंग का। ये भी सिर्फ विंटर विंटर्स रहता है, समर्स में मर जाता है ये, और अभी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फूटिंग कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे ये स्वीट पी है, ये एक तरह की वाइन ही होती है विंटर्स की, क्योंकि अपने आप ये कोई ना कोई चीज़ को पकड़ के ऊपर को ग्रो करती रहती है। ये इसकी न्यू बड है, इसमें भी फ्लावर खिलेंगे। इसको स्वीट पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सीड बोर्ड होता है वो बिल्कुल पी की तरह होता है। मैं दिखाता हूँ, शायद है यहाँ पे, ये देखिए ये इसका सीड बोट है। ये भी बहुत अच्छे फ्लावर्स देती है स्वीट पी, विंटर्स की है ये भी। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगे मेरे टेरेस के फ्लावर्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।